नमः हाय हाय हाय। बोलिए श्री एकादश रुद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। आज यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी पूरी टीम, मैं कैथल से विधायक, या हमारी चेयरपर्सन सुरभि जी, वाइस चेयरपर्सन सीमा जी, पूरी टीम 11 रुद्री शिव मंदिर में आने का मौका मिला। और इतिहास कहता है कि 11 रुद्री शिव मंदिर एक छोटी काशी है, और यहाँ पर हमारी जो यहाँ की टीम है, विनोद मित्तल जी चेयरमैन है और उनकी टीम रमेश जी सांगण है, उन्होंने सभी ने यहाँ पर नया एक हाल तैयार किया है, कहने का मतलब रसोई तैयार की है, और उस पर 25 लाख के लगभग लागत आई है। और कैथल जिले में अब तक की सबसे बढ़िया रसोई बनकर के तैयार हुई है, जिसमें सैकड़ों बहन भाई या संगत के लोग सैकड़ों की संख्या में एक साथ नीचे बैठ करके खाना खा सकते हैं, बर्तन पूरे, और बहुत अच्छी रसोई यहाँ पर बनकर के तैयार हुई है। और यहाँ पर आज हमने महाकाल के, या मैं कहूँगा कि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के पावन पवित्र दिन पर यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने का मौका मिला। मैं अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से, समस्त कैथल शहरवासियों को लाख लाख बधाई देता हूँ कि ये दिन उनके जिंदगी में मंगल में आओ, खुशियाँ लेकर के आए, सभी शहरवासी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। सबसे पहले तो मैं कैथल के समस्त शहरवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज यहाँ पर हमने एक रसोई का उद्घाटन किया है, जो हमारी कैथल की काशी की रसोई है, जहाँ महाप्रसाद बनाया जाएगा, और इतनी बड़ी रसोई शायद कैथल जिले में पहली बार बनाई गई है। यहाँ की जो चेयरमैन कमेटी है, जो यहाँ के चेयरमैन है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि आज उन्होंने महाशिवरात्रि का दिन निश्चित किया, ये शुभ कार्य करने के लिए इतना शुभ दिवस उन्होंने चुना, आपको बहुत बहुत बधाई। और वो यहाँ पर लंगर चलाते हैं, तो मैं इनके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो एक बहुत ही नेकी का काम कर रहे हैं। ये काशी, ये जो हमारे कैथल की काशी है, यहाँ इतना नेक का काम करना, बहुत पुण्य मिलेगा उन्हें। मैं उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और सभी शहरवासियों को बधाई देती हूँ। आज हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज 11 रुद्री मंदिर में लगभग, जैसा कि हमारे माननीय विधायक जी ने बताया, कि लगभग 25 लाख की लागत से यहाँ रसोई और हाल तैयार किया गया है। इसके लिए हमारे शहर की सुरभि सरकार को भी बहुत बहुत बधाई है, और यहाँ की संगत है जो, और यहाँ के जो कमेटी इन्होंने चुनी हुई है, जो हर टाइम लंगर लगाते रहते हैं, यहाँ सेवा में खड़े रहते हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और वो बधाई के पात्र हैं। आज मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी वार्डवासियों को, शहरवासियों को और पूरे प्रदेशवासियों को भोलेनाथ के पवित्र त्यौहार महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसे भाई जी आपने विकास कार्य की बात की, आज वार्ड नंबर 23 में एक रसोई लंगर भवन का उद्घाटन, जिसकी लागत 25 लाख रुपये आई है, मैं इसके लिए माननीय कैथल के लोकप्रिय विधायक लीला राम जी और हमारी नगर परिषद की चेयरमैन श्रीमती सुरभि गर्ग जी और हमारी पूरी मंदिर की टीम, हमारे आदरणीय प्रधान विनोद मित्तल जी, जिनके नेतृत्व में की है एक रसोई जो पूरे जिले की एक ऐतिहासिक रसोई है। इसमें खाने पीने की व्यवस्था, और जो भी श्रद्धालु, जैसे यहाँ का टाइम टेबल है 12 से 2 बजे परमानेंट लंगर यहाँ मंदिर कमेटी की तरफ से चलता है, इसके लिए यहाँ बैठने की अरेंजमेंट भी है, लगभग 150 से 200 लोग एकदम यहाँ इस रसोई में खाना खा सकते हैं। मैं इसके लिए पूरी कमेटी को और दोबारा पूरे शहरवासियों को और आपके चैनल के माध्यम से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं के सहयोग से आज हमें मंदिर में एक बहुत बड़ा लंगर भवन मिला है, जिसकी मैं बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। इनकी कृपा से ये सब कुछ हुआ। और मैं आज एक छोटी सी इनसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर मंदिर में बहुत बड़ी व्यवस्था है, लंगर लगता है डेली 400 आदमियों का, या लैट्रिन बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है। इनके लिए मैं आज रिक्वेस्ट करता हूँ मंदिर कमेटी की ओर से, अगर वो भी व्यवस्था की जाए तो हम बहुत बहुत आभारी होंगे। रिक्वेस्ट कर जी, 2024 का चुनाव आने वाला है, लोकप्रिय विधायक लीला राम बहुत से काम करवा रहे हैं, भविष्य कैसे दिखे फिर से इनका भविष्य? तो मंदिर कमेटी के सर इतना उज्जवल है जी, हम ये कहें जी अगली बार ये लाल बत्ती की गड्डी में बैठे।